तो फाइनली क्या हालचाल आप सबका। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ काफी कमाल के स्मार्टफोन के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपके लिए लीक्स लेकर आया हूँ Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। जल्दी Realme अपनी 12 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, जिसमें Realme 12 Pro एंड Pro Plus सबसे पहले हमें देखने जाएंगे और उसके बाद Realme 12 और उसके अदर सीरीज वाले स्मार्टफोन देखने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आपको Realme 12 Pro Plus के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको Realme 12 Pro के बारे में बता देता हूं। कुछ वीडियोस हैं निकल कर आए स्मार्टफोन के बारे में, वो भी बताऊंगा। कुछ पैक्स हैं निकल कर आए हैं, वो भी बताऊंगा। एंड Realme 12 Pro लॉन्चिंग डेट, प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन, हर चीज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Realme 12 Pro की बात करो तो प्राइसिंग वही होने वाला है, 22-23 हज़ार के अंदर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और 8 GB रैम वाला वेरियंट अब की बार हमें देखने मिल जाएगा शुरुआती। आई थिंक 6 GB रैम वाला अब की बार डिसकंटिन्यू कर सकता है Realme अपने 12 सीरीज से, I mean 12 Pro एंड Pro Plus से स्पेशली बताया जा रहा है कि ये वेरियंट डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो हमारे लिए तो काफी अच्छी बात है यार, 8 GB रैम मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए अभी बात करते हैं कि और क्या कुछ हमें देखने मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, बॉक्स की वीडियो जो निकल कर आई थी Realme 12 Pro स्मार्टफोन की। सेम वैसे ही जैसे कि हमें प्रीवियस सीरीज के स्मार्टफोन के बॉक्सेस देखने में थे। अच्छा जी, Realme 11 की बात को, 10 की बात को, सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो भाई बॉक्स वैसा ही, बाकी बॉक्स के अलावा और कुछ यहां पर दिखाया नहीं गया, तो हम मान सकते हैं भाई ये बॉक्स हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अभी बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। लॉन्चिंग डेट की बात को तो भाई दोस्तों, ये स्मार्टफोन दोस्तों देखो हमें 2023 के अंदर देखने नहीं मिलेगा, 2024 के अंदर ही देखने मिलेगा। और बताया जा रहा है फरवरी के एंड तक जो है स्मार्टफोन इंडिया में आ सकते हैं। प्राइसिंग की बात को वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लॉन्चिंग डेट बता चुका हूँ। अभी बात आती है स्पेसिफिकेशन की, भाई स्पेक्स क्या कुछ होंगे। स्पेक्स मुझे काफी ज्यादा मजेदार लगे और आपको जो इसके स्पेक्स है ना, कुछ कुछ Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन जैसे मिलेंगे। दोस्तों मैंने 11 Pro Plus का, 11 Pro नहीं, क्योंकि काफी कुछ चीजें वहां पर मिलती जुलती हमें देखने मिलेगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, वो तो लगभग डिट्टो ही आप कह सकते हो। जी दोस्तों, Realme 12 Pro हमें क्वाड एजेस वाले डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। आपने सही सुना, यहां पर 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा और AMOLED पैनल देखने मिलेगा। अभी क्या ना यार, क्वाड एजेस का एकदम से ट्रेंड आ चल गया और मैं कहूंगा काफी अच्छी भी बात है और एक तरह से काफी बुरी बात यह हो जाती है कि काफी जल्दी डैमेज होती है एजेस वाली डिस्प्ले। लगता है कि इस पे थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन हमें लगानी पड़ती है, अदरवाइज हमें और कोई भी कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्लेज में इशू देखने को नहीं मिलता। और सेम चीज हमें यहां पर भी देखने मिलेगी भाई, जो AMOLED डिस्प्ले होगी काफी अच्छी बात है, जो कलर वगैरह होंगे हमें काफी अच्छे देखने मिलेंगे। और 120Hz होने की वजह से यहां पर जो स्मूथनेस होगी डिस्प्ले में वो काफी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और यहां पर हो जाती है कि यहां पर हमें जो डिस्प्ले होगी उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा, जो कि आई थिंक काफी अच्छी बात है। सेकंडली अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो 200 MP के कैमरा के साथ जो स्मार्टफोन आएगा, अभी ये नहीं बताया गया कि ड्यूल कैमरा मिलेगा, ट्रिपल कैमरा मिलेगा, बस इतना है कि भाई 200 MP का यहां पर हमें कैमरा देखने मिलेगा। सेल्फी है 32 MP की हो सकती है। अब की बार 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको रियर कैमरा में मिल जाएगा और OIS जैसे फीचर भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाई, सीधा सीधा अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं Realme 11 Pro स्मार्टफोन से, तो नो डाउट यार हम कह सकते हैं हां भाई, कैमरा के मामले में भी आपको अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली अगर मैं रियर कैमरा की बात करूं तो वहां पर तो जरूर हमें इंप्रूवमेंट मिलने वाले हैं। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो यहां पर बताया जा रहा है MediaTek Dimensity दोस्तों 7200 चिपसेट हमें देखने को मिल सकता है। जो दोस्तों आपने सही सुना, यही चिपसेट दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है। सच बताऊं तो भाई काफी ज्यादा फाड़ू चिपसेट है। सही, आपने सुना होगा अभी भी काफी सारे स्मार्टफोन में अंडर 30,000 बात करूं तो काफी सारे स्मार्टफोन में आ चुका। और वहां पर अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी होगी ना भाई, काफी किलर चिपसेट में देखने को जाता है। पबजी क्वालिटी जैसे गेम्स हम इजिली हाई ग्राफिक्स पर वहां पर प्ले कर सकते हैं। और अच्छी बात मुझे इस चिपसेट की ये लगी कि यहां पर आपको हीटिंग जैसे इश्यूज देखने नहीं मिलते, क्योंकि मैंने काफी सारे चिपसेट्स में ऐसे देखा जब भी वो नए आते तो वहां पर आपको हीटिंग जैसे इश्यूज काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला। तो नो डाउट यार, अगर ये चिपसेट हमें स्मार्टफोन में मिलता है तो भाई बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन हम इसको कह सकते हैं। तो ये दोस्तों 3-4 स्पेक्स थे जो कि स्मार्टफोन के बारे में बताए गए थे, जो कि हमने आपको बताई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही टेक्स रिलेटेड हर अपडेट पाते रहते हो। चाहे मैं रिव्यू की बात करूं, कंपैरिजन की बात करूं, या टेक न्यूज की बात करूं, हर चीज आपको मिलेगी। तो बस आज की इतना ही, और ज्यादा वीडियो को नहीं लंबा करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।